नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। असम पहुंचा महाराष्ट्र संकट। पार्टी विधायकों के साथ असम पहुंचे एकनाथ शिंदे, साथ में 2/3 विधायकों के होने का किया दावा। महाराष्ट्र संकट को लेकर एकनाथ शिंदे का दावा, 2/3 एमएलए साथ में, नहीं छोड़ेंगे पार्टी, बढ़ाएंगे बाबा साहेब ठाकरे की विरासत। छत्तीसगढ़ में उड़ीसा सीमा पर मुठभेड़, 3 जवान शहीद। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ड्यूटी पर निकली थी, नक्सलियों ने घात लगाकर कर दिया हमला। द्रौपदी मुर्मू बनी एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट, जीतने पर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला। कश्मीरी नीलम ग्लोबल मार्केट में होगा नीलाम। पद्दर रेंज में है 5,000 करोड़ का भंडार, नीलामी में सरकार को मिल सकती है अच्छी कीमत। आजमगढ़ में बेटे ने पिता और भाई को मारी गोली, प्रॉपर्टी में बंटवारा और खर्चे को लेकर हुआ था विवाद, घटना स्थल पहुंचे एसपी, आरोपी हिरासत में। मेरठ में शक्की बाप ने बेटे को मार डाला, पिता ने मुंह दबाया और चचेरे भाई ने माली गोली, बोला चाल चलन से घुट रहा था। मुरादाबाद में सीएम के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं में चले लात, घुसे हवाई पट्टी पर भाजपा नेता रामवीर सिंह और गरीश वर्मा में पारपी। मैनपुरी में सीएम योगी ने चकबंदी अधिकारी को किया निलंबित, 15 दिन पहले अश्लील वीडियो हुआ था वायरल। बदायूं में एसिड अटैक के आरोपी सिपाही को क्लीन चिट, महिला होमगार्ड ने 2 लोगों पर लिखाई थी एफआईआर। मालदीव में योग दिवस कार्यक्रम में उपद्रव, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने योग कर रहे लोगों पर धावा बोला, राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। श्रीलंका में ईंधन संकट को लेकर संसद सत्र में कटौती, 4 के बजाय 2 दिन ही चलेगा सत्र। यूक्रेनी बच्चों की मदद के लिए रूसी पत्रकार ने नीलाम किया नोबेल पुरस्कार, $10.35 करोड़ में बिका। चीन की वुहान लैब से ही लीक हुआ कोरोना वायरस, निजी वार्ता में WHO महानिदेशक ने माना। रेल हड़ताल रोकने के लिए पीएम जॉनसन ने की समझौते की अपील, सोमवार शाम से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में सेवाएं प्रतिबंधित। फाइनल से पहले नहीं भिड़ेंगे नडाल और जोकोविच, विंबलडन में जोकोविच को मिली टॉप स्पीड। श्रीलंका 30 साल बाद घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीता, 4th मैच में कंगारू टीम को 4 रन से हराया। फिटनेस हासिल करने में नाकाम रही रामपाल को, भारत की महिला हॉकी टीम में नहीं मिली जगह। आईपीएल के लिए बड़ी विंडो मिलने की बात पर भड़के शाहिद अफरीदी, आईसीसी पर लगा दिया बड़ा आरोप, कहा आईसीसी का सबसे बड़ा बाजार भारत है। मैच 6 दिन में एवरेस्ट चोटी फतह कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पर्वतारोही नरेंद्र सिंह ने पहले फहराया तिरंगा, फिर गाया राष्ट्रगान। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर रिलीज हुआ, भाई बहन के बेशुमार प्यार पर बनी है फिल्म। नागा चैतन्य के अफेयर की खबरें फैलाने के आरोप पर सामंथा ने दिया जवाब, बोली हम आगे बढ़ गए हैं। आदित्य रॉय कपूर ने शेयर किया फिल्म का BTS वीडियो, जबरदस्त एक्शन में दिखे एक्टर। आमिर खान की फिल्म के साथ टकराव पर बोले अक्षय कुमार, ये क्लैश नहीं है, बड़ा दिन है।
कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच मनमुटाव हुआ खत्म। दोनों अवार्ड इवेंट में मस्ती करते आए नजर। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।